नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की मिलेगी झलक। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर नीतियों का होगा जिक्र। सामाजिक आर्थिक एजेंडे के बारे में भी मिलेंगे संकेत। संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से राज्यसभा के 249वें सत्र की होगी शुरुआत। अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद सदन में रखी जाएगी अभिभाषण की कॉपी। 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में राज्यसभा की होंगी कुल 27 बैठकें। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने फ्लोर नेताओं की आज बुलाई बैठक। लंच पर अपने आधिकारिक निवास पर करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों सदनों के सभी सांसदों से डिनर पर करेंगे मुलाकात। नई सरकार के गठन के बाद सभी सांसदों से पहली बार मिलेंगे प्रधानमंत्री। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से 5 और बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम पहुंची मुजफ्फरपुर। दक्षिण बिहार के 3 जिलों में बीते एक हफ्ते में लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 90। और क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक जीत। 4 विकेट से दी मात। कप्तान केन विलियमसन को नाबाद शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच। नॉटिंगम में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला आज। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और बात सबसे पहले संसद सत्र की। संसद के सेंट्रल हॉल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों की झलक होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। वहीं लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की दशा में नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने और स्पीकर के चुने जाने के बाद राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं से जुड़ी संभावनाओं पर भी जोर होगा। इसके अलावा सरकार के सामाजिक आर्थिक एजेंडे के बारे में भी अभिभाषण में संकेत मिलेंगे। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियां साफ होंगी। साथ ही आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विदेश नीति पर सरकार के रुख को जानने में भी मदद मिलेगी। वहीं संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से राज्यसभा के 249वें सत्र की शुरुआत हो जाएगी। अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद सदन में अभिभाषण की कॉपी रखी जाएगी। आज से शुरू हो रहे राज्यसभा के 249वें सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। अभिभाषण के पूरा होने के आधे घंटे बाद राज्यसभा की अलग से बैठक होगी। राज्यसभा सत्र के दौरान जून में 7 दिन और जुलाई में 20 दिन बैठकें होंगी। इसमें 21 जून, 12 जुलाई और 26 जुलाई को गैर सरकारी विधेयक रखे जाएंगे। 28 जून और 19 जुलाई को निजी सदस्यों के संकल्प का दिन तय किया गया है। इस बीच राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने फ्लोर नेताओं की आज बैठक बुलाई है। अपने आधिकारिक निवास पर वो लंच पर सभी फ्लोर नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दोनों सदनों के सभी सांसदों से डिनर का भी न्योता दिया है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि संसदीय समितियों की तरह राजनीतिक दलों को भी राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि समितियों का बड़ा प्रभावी, बहुत बेहतर और देश हित में बहुत सकारात्मक उनका कामकाज रहा है। खुद का मेरा अनुभव, मैं डिफेंस कमेटी में था, हाउसिंग कमेटी में था, मोटर व्हीकल एक्ट कमेटी में था, सिटीजनशिप वाली कमेटी में था, इस तरह कई कमेटियों में था। कमेटियों के कामकाज का फर्क ये मैंने पाया कि सारे दल के लोग जब आते हैं तो उनमें पहले दल पीछे छूट जाता है, वो सब देश के प्रति कंसर्न होते हैं। देश, कोई दल का व्यक्ति कमेटी में हो सकता है, रहता है, यही उसकी खूबसूरती है, क्योंकि ये देश अलग अलग एक तरह से संस्कृति का, खान पान का, पृष्ठभूमि का, भाषा का मुल्क है, और यही विविधता में एकता ही हमारी खुशबू है। तो कमेटियों में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग कमेटियों में होते हैं, पर उन सबके मन में देश पहला होता है, इसलिए वहाँ कामकाज बहुत गंभीरता से होता है। जब हम सदन में आते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि अपने निजी राजनीतिक निजी प्रतिबद्धता कई बार हावी हो जाती है, हमें उसको आत्मनियंत्रण करके उसको उसका रास्ता निकालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े। और इस समय हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज का दिन संसद की बात करें तो काफ़ी अहम, राष्ट्रपति का अभिभाषण आज होना है और हम जानते हैं कि जो नई सरकार है उसके नीति और कार्यक्रमों की झलक मिलेगी और प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात कहते आए हैं, तमाम ऐसे विजन है वो सामने रखते आए हैं, जाहिर तौर पर उनका अक्स देखने को मिलेगा आज। जी बिल्कुल प्रिय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ज़रूर है, क्योंकि आज जो परिपाटी रही है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक बजट सत्र का जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है और ये एक संयुक्त बैठक होती है। दोनों सदन जो हैं उनके जो मेंबर्स हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं, वो सेंट्रल हॉल में बैठते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का जो कामकाज है वो आने वाले समय में उसकी रूपरेखा माना जा सकता है। और कुछ इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में बातें बार बार, हर बार जो अभिभाषण रहा है उसमें सुनने को मिली है, जिससे ये पता लगा सके, ये पता लग सके कि जो सरकार इस वक्त शासन में है उसका क्या प्लान है, किस तरह की नीतियां वो बनाना चाहती है आने वाले समय में, और किस तरह के वो काम हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिन पर वो काम करना चाहती है, अलग अलग नीतियां, अलग अलग पॉलिसीज। और ख़ासतौर पर जब सरकार नई हो और पहला बजट सत्र हो तो पहला अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें ये भी झलक देखने को मिलती है कि आने वाले 5 सालों में सरकार के कामकाज की रूपरेखा क्या रहेगी। हालांकि जो फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि जो एक साल है, यानी कि अगला बजट पेश करने से पहले तक इस अगले एक साल की नीतियाँ क्या होंगी, पॉलिसीज़ क्या होंगी अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, सर्विसेज की बात हो, या फिर और अलग महत्वपूर्ण मुद्दे हों। और मोटे तौर पर 5 साल के दौरान किस तरह से इन नीतियों पर आगे चलकर काम होगा। और अलग अलग इश्यूज़ की आपने बात की प्रीति, जिस तरह से बयान आते रहे हैं खुद प्रधानमंत्री की तरफ से और शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक का जो फैसले जो नई सरकार की कैबिनेट ने किए हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि क्या वो अहम मुद्दे होंगे जिन पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ज़्यादा गौर करने लायक बातें सुनने को मिल सकती हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र से संबंधित हो या फिर जिस तरह से कल जो प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी सभी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ, उसमें जिस तरह से एक देश और एक चुनाव की बात हुई थी। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें किस तरह की नीतियाँ रह सकती हैं सरकार की, तो उन सब पर एक उनका एक झलक या उनका एक नजरिया आप एक देखने को और सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो लोकसभा चुनाव के बाद आज संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा, जिसे संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। उनके अभिभाषण में सरकार की नीतियों की झलक और सरकार के एक्शन प्लान का ब्यौरा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा है कि नई लोकसभा के गठन के बाद निचले सदन में पास होकर सदन में लंबित रहे कई बिल लैप्स हो गए हैं और अब इनके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी।
देखिए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स थे जो पिछले सत्र में बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं हो पाए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन बिल, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, द कंपनीज बिल। ये सारे बिल्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पेंडिंग थे, लैप्स कर गए, और अब अनफॉर्चुनेटली हमको पूरा काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी लोकसभा में पास करके वो फिर बिल हमारे पास आएगा और तब हम उस पर ये कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत आधार से संबंधित है एक बिल है, इन सब पे कार्रवाई अब होगी जब लोकसभा से वो हमारे पास आएगा। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विषय पर बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर निश्चित समय सीमा में सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री एक समिति गठित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी। 21 पार्टियां बैठक में शामिल हुई, जबकि 3 ने लिखित में इस विषय पर अपना विचार साझा किया। राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद कहा कि ज्यादातर पार्टियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ी बहुत मत भिन्नता जाहिर की। उनका कहना था कि ये कैसे होगा, हालांकि उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, टीडीपी और तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुई। संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के विषय पर सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति थी और बैठक में मौजूद सदस्यों का यह मानना था कि संसद में संवाद और वार्तालाप का माहौल ये बने रहना चाहिए। सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीआई सीपीएम के रही है कि कैसे होगा इसके, लेकिन इसका उन्होंने विरोध नहीं किया कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका सीधा पूछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की इसे आप कैसे लागू करेंगे। और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो निर्धारित सीमा में इससे जुड़े सभी पक्षों पर विचार करके अपने सुझाव देगी। अब उसके लिए प्रधानमंत्री जी कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद उसे जारी किया जाएगा। और बैठक में शामिल कई दलों ने जोर देकर कहा कि नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के आदर्शों के बारे में बताया जाना आवश्यक है, जिसके लिए उनकी 150वीं जयंती एक ऐसा अवसर है कि जिसमें कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। साथ ही सभी दलों का यह भी मानना था कि देश में सुनियोजित और व्यापक विकास के लिए हम इस अवसर का पर कुछ ठोस संकल्प ले सकते हैं जो 2022 में आजादी की 75वीं गांठ वर्षगांठ तक पूरे हो जाए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जो जिले हैं उनके विकास पर सभी दलों का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था, सभी ने इसकी सराहना की है। और बाद में फिर मैंने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियां साल भर पानी से भरी रहती हैं। यहां मॉनसून भी हर साल बारिश कर जाता है, लेकिन फिर भी प्रचुर मात्रा में पानी भारत की समस्या बनता जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में नल से पानी की सप्लाई हो। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से जल शक्ति मंत्रालय को यही उम्मीद होगी कि उसके लिए धन कोई बाधा ना बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पानी के नाम पर काम तो हुआ, लेकिन ये काम कई मंत्रालयों ने अपने अपने स्तर पर किया। नतीजा ये हुआ कि पानी को लेकर किसी ऐसी मुकम्मल योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका जिसके जरिए देश में सबको स्वच्छ पानी मिल सके। अब सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, इन सबको मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय का लक्ष्य है कि हर घर में नल से स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचे। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक आज भी देश में 14 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है।
पिछले लगभग 40 साल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, 1950 साल के परिप्रेक्ष्य में, 1950 में जितनी हमारे पास में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, वो घट करके आज उससे एक तिहाई भी नहीं रह गया और तीन गुना से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक जहां सिक्किम जैसे राज्य में 99% घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 5% घरों में भी ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक सरकार के सामने हर घर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के अलावा जल संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। देश के आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि टोटल हैबिटेशंस को पानी की सप्लाई के उपलब्धता के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़ा लगभग आज की तारीख में 81.96% के आसपास है कि हम हैबिटेशंस, हो सकता है ग्राउंड रियलिटी शायद उससे अलग हो, लेकिन जो आंकड़े प्रदेशों के द्वारा प्रदत्त आंकड़े जो हैं, एंड सिंस वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए प्राथमिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रदेशों की है। जानकार मानते हैं कि सरकार पानी के मामले में अब तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देती आई है, लेकिन अगर सरकार अपने आने वाले बजट के हिस्से में जल संरक्षण पर खर्च करे तभी सरकार अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब खबर बिहार से, जहां मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार यानी AES सिंड्रोम से बच्चों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 5 और बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में अब तक करीब 125 बच्चों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमारी के कारण और उपाय खोजने के लिए सेंट्रल टीम भी बीती रात मुजफ्फरपुर पहुँच गई है। राज्यसभा टीवी की टीम ने भी ज़मीनी हालात का जायजा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। जब से ये मामला सामने आया है तब से यही कहा जा रहा है कि लीची खाने से बच्चों की मौत हो रही है। ऐसे में लोग लीची खाने से घबरा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बुखार की वजह से हो रही बच्चों की मौत की असली वजह लीची नहीं बल्कि कुपोषण के साथ गर्म और उमस भरा मौसम है। आज इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, अभी 60-70-80 ह्यूमिडिटी रह रही है। और हम लोगों ने देखा है जो रात का खाना बिना खाए सो जाते हैं, 4 बजे खाना खाए, 5 बजे खाए और सो गए, रात में वो खाना नहीं खा रहे। और ये सारा सिम्टम जो सुबह में होता है, कन्वल्सन जिसको हम चमकी यहाँ की भाषा में बोलते हैं, बुखार और बेहोशी, इसी से वो शुरू हो रहा है। इसका असर लीची से गुलजार रहने वाले मुजफ्फरपुर के बाजारों पर भी पड़ा है। लीची खाने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है लीची से, गर्मी से हो रहा है, लीची कैसे बीमारी नहीं हो रहा है, हाँ एकदम बिक्री घट गया है। अभी बिक्री होना चाहिए 200-250 रुपए, सो अभी बिक्री चल रहा है 60-70, कभी 100, बिकता ही नहीं है, डेली 1000-2000 फेंक कर जाते हैं, एकदम पूंजी पर लॉस जा रहा है, पेड़ का पेड़ सोख गया एकदम जड़, हाँ चमकी के चक्कर में बहुत लॉस है, अफवाह फैलाया तो लॉस होगा नहीं, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में कुपोषण की भयावह स्थिति का भी पता चला है। कुपोषण का शिकार होने की वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, यह भी इस इलाके की बड़ी समस्या है। गरीब परिवार के कुपोषित बच्चे दिन भर भीषण गर्मी में भी लीची के बाग में जाते हैं और आधी कच्ची आधी पकी सड़ी गली जैसी भी लीची मिलती है बड़ी तादाद में खा लेते हैं और शाम को घर वापस आकर बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। ऐसे में बच्चों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है लीची से सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया एक्सप्लेन हो सकता है, जैसे हमारे बच्चों में ग्लूकोज की कमी मिल रही है, ये लीची से एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चों में और भी तो डिरेजमेंट है, जैसे सोडियम की कमी होती है, सोडियम अधिक भी हो जाते हैं, पोटाशियम भी बहुत बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, ये लीची से एक्सप्लेन सिर्फ नहीं हो सकता है। द लैंसेट नाम की मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च की माने तो लीची में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले टॉक्सिन पदार्थ होते हैं जिन्हें हाइपोग्लाइसिन ए और MPCG कहा जाता है। ये शरीर में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बनने में रुकावट पैदा करते हैं, इसकी वजह से ही ब्लड शुगर लो लेवल में चला जाता है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं,
और मस्तिष्क संबंधी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि अगर कोई स्वस्थ बच्चा लीची खाता है तो उसे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का खतरा नहीं होगा, लेकिन कुपोषित बच्चे में इसका खतरा बढ़ जाएगा। मुजफ्फरपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा मुजफ्फरपुर में फिलहाल मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। पंचानन, जानते हैं कि हालात जो हैं फिलहाल गंभीर हैं, लगातार जो मौतों का सिलसिला है बच्चों की वो नहीं रुक रहा है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक दौरा कर चुके हैं। फिलहाल अगर आप बता पाएं, क्या नए मामले भी आ रहे हैं, अस्पतालों में भी व्यवस्था कैसी है, हालात कैसे हैं ज़मीन पर? देखिए, हम उसी जो मेडिकल कॉलेज है, जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वहाँ मौजूद हैं। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कि लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है, बच्चे लगातार एडमिट हो रहे हैं। प्रीति, आज भी दुखद घटना ये हुई कि दो बच्चे आज सुबह से ही उनकी मौत हो चुकी है। कल ये आंकड़ा 5 का था और ये आंकड़ा सिर्फ इसी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज का है। बगल में एक करीब 7-8 किलोमीटर दूर केजरीवाल एक मेडिकल सेंटर है जो प्राइवेट है, वहाँ भी बच्चे एडमिट हैं और वहाँ भी आज सुबह एक मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यह है कि मौतों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन रोज़ मौतें बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने देखा था पिछले 3-4 दिन पहले ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, बड़ी बात ये है। और इसका जो कारण उसका ये है कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और जो मल न्यूट्रिशन के बाद जो बच्चे आते हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एडवाइजरी यही है कि जैसे ही बच्चे को फीवर हो उसको तुरंत लाया जाए तो उसको बचाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाहे जितने भी VIP आए, लेकिन ये बात खुद मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने मानी है कि कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव अप्रोच यानी लापरवाही तो ज़रूर हुई है, क्योंकि मुजफ्फरपुर इतने बड़े आउटब्रेक के लिए तैयार नहीं है। अब उसको तैयार करने की बात कही जा रही है कि उसको बढ़ाकर 2500 किया जाएगा बेड का पूरा हॉस्पिटल को, तो शायद अब हो सकता है कि कुछ बातें सामने आए, क्योंकि 2014 में भी यही हुआ था लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। तो अब लापरवाही तो हुई है, उसके ऊपर जो एक्शन है वो लिए जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर मिलाकर स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। और आसपास का, चाहे समस्तीपुर का बगल में ज़िला हो, वैशाली का, वहाँ भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और गर्मी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक डॉक्टरों की चिंता बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वहाँ से तमाम जो अपडेट है, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए पंचनन आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला किया है। दरअसल देश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत ने 2030 तक इस तरह के वाहनों के आधिकारिक प्रसार की योजना बनाई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण को शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा। पंजीयन शुल्क पर यह छूट दोपहिया वाहनों सहित सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभावी रहेगी। और एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है, और इसी सिलसिले में रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थकों की एक रैली को संबोधित किया। इस बार भी उनके प्रचार अभियान में गैर कानूनी प्रवासी का मुद्दा अहम है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों पर निशाना साधा। इस रैली में मंच पर ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वो फिर फर्स्ट लेडी बनने के लिए उत्सुक हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस और प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स भी मौजूद थे, और उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी विश्व कप में कल न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच को 49-49 ओवर का कर दिया गया था। इस अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 49 ओवर खेलकर 6 विकेट खोकर 241 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 245 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन नाबाद 130 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। आज दोपहर 3 बजे दोनों टीमें नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान में आमने सामने होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके नाड़ी शोधन प्राणायाम के फायदे बताए हैं। सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ, आप देखिए कि इसके कितने फायदे हैं। नमस्कार। नाड़ी शोधन
नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक आसन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। जो नाड़ी शोधन का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं, उनके सांस लेने और छोड़ने का समय सामान्य होना चाहिए और धीरे धीरे इनके समय का रेशियो यानी अनुपात बढ़ाकर 1:2 यानी 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। नाड़ी शोधन।